फंडा क्या है कि अब आवाज भी नहीं निकल रही है। दुनिया में सब आपका है लेकिन आप सिर्फ हमारे हो। प्लस भैया भैया इधर T20 का नवजोत सिंह सिद्धू बन रहा है। ऊपर नहीं जाना, अब इतनी दूर आई गए मालिक, तो थोड़ा और दूर चल ही लेते हैं। भाई मेरा पासवर्ड है 123456। मैं मोबाइल पे अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं क्या है यार, अब नहीं जीतेंगे, वही बात हुई, हार गए। जैसे दारू चालू होगी ना अंदर जाएगी, देखना चेहरा कैसे खिलेगा। अभी देख लो, चेहरा मर चुके हैं अभी। हमारे फिर से थक गए हैं जी, रेस्ट कर रहे हैं। पानी लेके आए नहीं थे और हमारे ड्राइवर ने 20 मिनट दिए हैं। मुझे लगता है आधा घंटा तो ऊपर चढ़ते लग गया। 20 मिनट करके खत्म हो चुके हैं, एक्स्ट्रा टाइम चल रहा है भाई साहब। चलो आ जाओ। साइलेंस इज बेटर, साइलेंस इज नॉट बेटर। फंडा क्या है कि अब आवाज भी नहीं निकल रही है, फंडा ये है। अभी सिर्फ चल पा रहे हैं, वही बड़ी बात है, आवाज बाद में निकालेंगे थोड़ा ब्रेक करके। फाइनली वी मेड इट, पहुंच गए हैं। मुझे तो यार ये हमारा ही, मतलब जगह तो सब हमारी है यार। दुनिया में सब आपका है, बस मानना और ना मानने की बात है। नहीं भैया, दुनिया में सब आपका है लेकिन आप सिर्फ हमारे हो। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? भैया यहाँ पे शेरो शायरी चालू हो गई है। ये भाई का दिमाग हिल गया, इतनी ऊपर आ गए। भैया ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही है? पानी की कमी लग रही है भैया। प्लस भैया इधर T20 का नवजोत सिंह सिद्धू बन रहा है। ये लो, मंदिर तो ले आए, अब पानी भी पी लीजिए थोड़ा सा। पानी नहीं है, जल ही जीवन है आज के दिन में तो भाई साहब, जल ही जीवन है। हमारे बंदे पता नहीं क्यों अलग अलग सा रिएक्शन दे रहे हैं। मैं भाई को पूछ रहा हूँ, राहुल भाई पूछ रहे हैं कितने बंदे आए। भाई जितने बंदे साथ में आए थे उतने बंदे साथ में आए। यहाँ पे अलग ही वाइब है भाई, मानो या ना मानो। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है और जो लाइटें आ रही हैं, जैसे केव होता है एक्चुअली, बहुत ही बड़ा वाला है केव। एंड अगेन द ब्लेसिंग इज इट्स अ टेम्पल हियर, यू नो। बिल्कुल खाली टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, एक मानने वाला मंदिर भी है। लोग आ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, टीका लगा रहे हैं माथे पे। And a lot of tourists as you can see everywhere. ये है जी टेम्पल, टिकट काउंटर इज देयर। वी आर नॉट गोइंग, द रीजन इज वी हैव लेस टाइम हियर। वाओ, अभी और ऊपर जाना नहीं है, ये मेन है। नहीं मैंने उन्हें दस्या पूछे, मैं उन्हें पूछा, मैं कहना मेन टेम्पल भी तो ऊपर क्या है, फिर ये भी बताया होगा उसने ऊपर बताया नहीं, उसने ये बताया मेन टेम्पल ही है। भाई साहब तुरंत बोले नहीं नहीं, ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर नहीं जाना। अब इतनी दूर आई गए मालिक, तो थोड़ा और दूर चल ही लेते हैं। मिलेगा कुछ नहीं, मेरे को पता है, भाई ब्लेसिंग्स मिलती है। इतनी ऊपर आ गए, थकावट फील नहीं हो रही यार, है ना? अभी नहीं, बाद में होगी। कैसे कैसे अभी नहीं हुई, बाद में होगी। गाड़ी में बैठने के बाद जब आवाज जाएंगे ना टांगों से, यार कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर बाद में पता चला अच्छा दर्द हो रही है। क्यों भाई, प्रदर्शन के लिए गए थे अभी ऊपर। कितने स्टेप्स होंगे चेक करना पड़ेगा गूगल पे, 1000 से ज्यादा लग रहे हैं। देखा, मोटिवेशन कल दिया इन लोगों को और आज आ भी गए यार। एक बंदा कहाँ रह गया हमारा? वो बैठे बंदा, वो बैठा देखो चेयर पे। बड़ा ही मज़ा आया यहाँ पे आके, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और स्पेशली अब मुझे पता नहीं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तिलक बोलते हैं, क्या तिलक लगता है। तो आपके जैसे माथे पे स्पर्श हुआ, लग रहा है कि ठंडक सी अंदर पड़ रही है और एक शांति सी, अजीब सी शांति महसूस हो रही है कि हम यहाँ पे आए। तो आई थिंक हमें अब यहाँ की ब्लेसिंग मिल चुकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उनको भी मिल गई है जो यहाँ ऊपर तक नहीं आ पाए, जो सिर्फ नीचे मेरा मोबाइल लेके बैठे हैं, उनको भी मिल चुकी है। इट्स नॉट अबाउट दैट। हाँ, बट ये है कि एक सर्टिफिकेट लेके मुड़ा। स्टडी कर लिया उस बंदे ने, सर्टिफिकेट नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो, उसको ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है, उसको मिल चुका है। चले सर, बिल्कुल बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा फील महसूस हो रहा है। और हम सब लोगों को ये रिक्वेस्ट और सजेस्ट करेंगे, जो भी KL आता है उनको यहाँ बांको कैब में आना चाहिए और यहाँ की ब्लेसिंग जो लेनी चाहिए। हमारा बंदा बहुत दूर बैठा हुआ है और बैठ ही गया, मेरा मोबाइल भी ले लिया। मैं सिनेमेटिक वीडियो कैसे बनाऊँ मोबाइल के बगैर, बट ठीक है, मे बी दिस वॉज द गुड डिसीजन। लेट्स गो। आ गया, देखिए हाल तो ऐसे ही है भैया, बुरा ना मानो। बुरा ना मानो गर्मी है भाई साहब, अभी 18 डिग्री में जाना है, तब भी दिखाएंगे जलवा अपना हम लोग। अभी तो भैया गर्मी थी यार, आई स्वेयर गो। ये आज दिन है इनका एक दूसरे के कान साफ करने का। फिर से आ गए रे बाबा यार, तू कुछ जी। नीचे आ गए, भाई साहब ने बैग ले लिया, फिर से पता नहीं क्या देख रहे हैं भैया। ले तो लिया, ऊपर 24 का था, यहाँ 20 का है, तो बस फिर मतलब $4 हमारा जाने का किराया। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। गए हैं जेंटिंग, गेंटिंग जो इसको बोलते हैं। टिकट काउंटर कहाँ है यार? ये तो टैक्सी काउंटर है। एनर्जी से चढ़े थे टैंपल, ओदा जड़ा नतीजा से इधर भुगतां की जरूरत चढ़न का मंदिर मानते हैं, लेकिन ऊपर जरा चढ़े हैं। बट ठीक है, आज पार्टी नहीं करेंगे, आज की पार्टी कैंसिल हो गई है। जैसे ही हम होटल पहुंचेंगे, हम मेरे हिसाब से जाके सोने वाले हैं, लग रहा है। नाउ वी हैव टू गो फॉर द क्यू। टिकट वैसे हमने ऑलरेडी बाय कर रखा है, बाकी देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। भाई 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 इधर, और चाचा जी इधर। भाई मेरा पासवर्ड है 123456। मैं मोबाइल पे अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं किसी से कोई शिकायत नहीं रखता। इस दुनिया में सबको माफ कर दिया। अगर ये मोबाइल किसी को मिल जाए, प्लीज ये पासवर्ड मैं बता रहा हूँ 123456, ठीक है? आपका पासवर्ड क्या है? 8390। आपका पासवर्ड क्या है? 9900। सब कुछ ओ भाई हवा में उड़ रहे हैं हम तो यार। जब एक कौन सा एक्सपीरियंस करवाने ले आए हो? मैंने एडवेंचर बोला था, ये वाला एडवेंचर नहीं बोला था। अरे मरवा में भाई गाड़ी रोक गए। ओहो नहीं भाई, मैंने कभी नहीं। सच में बता रहा हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सब बोल नहीं पा रहे, सबकी आवाज ही बंद हो गई है। भाई जल्दी पहुँचा दे यार प्लीज। तो 200 ज्यादा ले ले, लेकिन लैंड करा दे। देखो शिट बोलना है बट करना नहीं है, ध्यान रखना, निकल ना जाए गलती से। अरे यार बस पहुंच गए, बस पहुंच गए, बस पहुंच गए। वो सामने है हमारे, बिल्कुल पहुंच गए। वी आर रीचिंग देयर। वहां से रिबंचा बस ये तो आगे है, तो टेंपल वापस मैं यहीं से वापस चला जाऊं, मुझे आगे नहीं जाना। ओह माय गॉश, यू सी द होल व्यू आउटसाइड 1 2 3। अब आगे जाना। ओह भरावा, ओए होली चलाओ, ओए की करिए ना तेरी मां। भाई लोग मैं बोल रहा था कि जाने के टाइम पे गाड़ी ले लेंगे, हैं? ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सीट तो पहुंच जाएंगे, डर तो नहीं लगेगा यार। आप मेरी बात को सीरियस ले गए। मैंने मजाक मजाक में बोला था कि आज तूफानी कर दिया, आप सही में तूफानी कर दिया। तो हम तो उड़ा देते हैं, बताओ सीरियसली। तूफानी वाला से एक वीडियो में मैं केबल दिखा रहा हूँ, केबल राइड दिखा रहा हूँ भाई, बात की ही मैं उसी में है। जो वीडियो बना रहा हूँ मैं प्लेन से नहीं बना रहा हूँ, मैं उसी केबल राइड में हूँ जो वीडियो में आपको दिख रही है। कैसे चल रही है? वही है यार, यू कैन सी दैट, वो खींच रहा है उसको। फाइनली पहुंच गए हैं यार। बट सच में बता रहा हूँ, बड़ा ही ऐसा लग रहा था कि भाई आज वापस उतर पाएंगे ज़मीन पे या नहीं उतर पाएंगे। बड़ा ही खतरनाक एक्सपीरियंस था, एडवेंचर, फुल ऑन एडवेंचर था। एंड यू कैन सी दैट पीपल आर स्टिल कमिंग आउट फ्रॉम दैट केबल कार। ये फ़ोटोज़ लगी हुई हैं जो फ़ोटोज़ खींच के देते हैं दूसरे को। मुझे लग रहा है ओवरनाइट के लिए आना पड़ेगा। बात तो सही है आपकी, जितनी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें देखने के लिए नहीं कवर कर पाएंगे आज। अच्छा, मुझे चाय तो पिला दो। चाय भी रोकते हैं अभी, नेक्स्ट टाइम प्लान करते हैं यहीं का मिनिमम 2 नाइट। पर गाड़ी से आएंगे या केबल से? गाड़ी से आएंगे भाई, केबल से एक बार देख लिया ना, बनने वाला काम है। ये बंदा दुश्मन है मेरी जान का, ये बंदा कह रहा है नहीं केबल से जाएंगे वापस। भाई केबल से कैसे चले जा कि इस मॉल से कैसे बाहर निकलना है? पहले मॉल से बाहर निकलोगे तभी शहर देखोगे ना बाहर का। ये तो पूरा का पूरा रजनीशपुरम बनवा रखा है इन्होंने, ओशो का पूरा वाला है भाई साहब। मतलब पता ही नहीं चल रहा कुछ भी, किधर जाना है किधर। इन्होंने अपनी अलग ही दुनिया बसाई हुई है। सही बात, यहाँ आके ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ आ गया। राहुल भैया मुँह से पान निकालो, ये मुँह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ऐसी है यहाँ पे जो हवा है ठंडी फील होनी चालू हो गई, बिकॉज अगेन यू आर ऑन द माउंटेन्स राइट नाउ। मजा आ रहा है। कैसीनो में हमने कैसीनो खेला, 2 घंटे खेला। और भाई साहब कितने जीते ये बताओ पहले, इधर आओ इधर आओ। 600 रिंगर जीतने के बाद जो पैसा हमने, कैपिटल अमाउंट था हमारा, वो तो हमने वापस रिकवर कर लिया था। एंड वी सेफली वी गेव टू मिस्टर राहुल जी कि ये बंदा वापस लगा ना दे। तो जो पैसे कमाए थे हम उसको चेंज कराने जा रहे थे, बट अगेन समबड़ी, मैं बाथरूम गया, पीछे से पता चला वो बंदा वापस चला गया खेलने। मुझे, मैं वापस आया, मैंने कहा राहुल भाई कहाँ चला गया? बंदा कहते वो फिर चला गया खेलने। तो मैं क्या यार, अब नहीं जीतेंगे, वही बात हुई, हार गया फिर। हाँ, अब कैपिटल अमाउंट सेफ था, उसको हमने वापस चेंज कराया, वापस अपने पास रख लिया। तो वी लॉस्ट नथिंग। ये आपका बेसिकली केबल राइड, जहाँ से हमने वापस गाड़ी लेनी है और निकलना है। आ गए हैं चाइना टाउन, मलेशिया में। चाइना टाउन है ये आपका, लगा लो हमारे होटल से ज़्यादा दूर नहीं है वैसे, इट इज़ नियर बाय। 20 मिनट 25 मिनट मैक्सिमम होगा। बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं हमारी ग्रैब का। ग्रैब वाला बेचारा भैया भूल गया था जाना कहाँ है उसको, तो हमने बड़ी मुश्किल से समझाया कि भैया बताया क्लान से यूटर्न मारो, सीधा सेकेंड रोड पर आओ, उसके बाद सीधा वॉकिंग स्ट्रीट से सीधा अंदर घुस के वॉकिंग स्ट्रीट के बाद एंड के बिल्कुल पास में सिग्नेचर होटल है, वहाँ पर आ जाओ पिकअप करने। और ये बंदे के हालात देख लो, बिना दारू के, जैसे दारू चालू होगी ना अंदर जाएगी, देखना चेहरा कैसे खिलेगा। अभी मर चुके हैं, अभी इनको पैदा करना है। अभी थोड़ी थकावट लग रही है, थोड़ा सा पानी पिएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। आज का दिन कंप्लीट हो गया हमारा ऑलरेडी। आज का दिन अच्छे से टूर कंप्लीट हो गया, ब्रेकफास्ट भी हो गया, टूर्स भी हो गए, काफ़ी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे टूर था अपना जेंटिंग, जो टूर था मेरे हिसाब से इसके लिए कम से कम भी 2 दिन होने चाहिए अपने पास, तभी वो टूर पूरा कंप्लीट हो पाएगा। बिकॉज उसका मॉल इतना बड़ा है ना यार कि मैं क्या बताऊँ। जो वीडियोज़ में आप देख पा रहे हो वो अलग चीज़ है, बट जो रियलिटी में हम जाके देखे हैं वो अलग चीज़ है। वीडियो में मैं पूरा कवर नहीं कर पाता, 100% कभी नहीं कर पाता। बट अगर आप यहाँ पे आओगे तो मेरे हिसाब से 2 दिन का प्लान होना चाहिए। 1 रात आप वहाँ पे रुको, अगर आप वहाँ पे रुकोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लोर करने को मिलेगी। टुमारो वी आर लीविंग, हमारा 2 बजे का पिकअप है और अराउंड 12 बजे हमें चेकआउट करना है। 2 बजे तक हमारी गाड़ी आ जाएगी, 6 बजे की 6 समथिंग की हमारी फ्लाइट है। 7:13 या 7:15 पे हम पहुंच जाएंगे बैंकॉक आइलैंड टाइम पे। The next day। ये देख लो हमारे रूम की हालत, जब चेकआउट के टाइम पे ये बंदे ने क्या कर दिया है इस रूम का, देख लो एक बार। भाई साहब मैंने कुछ नहीं किया। अब आप नहीं बोलोगे तो फिर क्या बोलूं? भैया जी रेडी हो? रेडी महाराज। आर यू श्योर? चलो जी, द व्यू अगेन द लास्ट टाइम। बाय बाय मलेशिया। ये गाड़ी हमने बोल दिया है 20 मिनट में गाड़ी आ जाएगी। 2 बजे का पिकअप था, बट आई थिंक वी आर लिविंग नाउ। क्योंकि एयरपोर्ट पे जाके वेट कर लेंगे ज़्यादा अच्छा, अदरवाइज यू नो लेट हो जाते हैं कभी कभी। तो चलो 1:20 में गाड़ी आ जाएगी, वी आर लिविंग फॉर एयरपोर्ट। मिलते हैं सीधा अगली वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड पीस गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड पीस।